तो मित्र यार, आज का मुंह मैंने यही धोया है मॉर्निंग से। वाह वाह, समझ रहा हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैं आ गई हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो आज का हमारा ब्लॉग है गाइज, आज हम जा रहे हैं कहीं घूमी घूमी करने, तो ब्लॉग पे बने रहे और देखना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम करेंगे टिफिन पैक, क्योंकि आज संडे है, तो संडे को मार्केट बंद रहती है, तो खाने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं जा रही हूँ किचन पे, और यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, आलू और न्यूट्रेला की बनाई है हमने, और ये रहा बोलने के लिए। तो हमारा टिफिन हो चुका है पैक, सब्जी और रोटी का तो हम हॉट डिश ले जा रहे हैं ताकि गर्म रहेंगी रोटी। रोटी भी तैयार है यहाँ पे, तो भी ब्लॉगर बन रहा है ब्लॉगरों के साथ। यहाँ पर हमारी नीलू भैया लोग तैयार है। गोल्डी की शीट कहाँ पे है? गोल्डी का सामान आने वाला है, उसका भी वेट कर रहे हैं अमेजोन से। हाँ, आपका क्या आने वाला था? वो हेलमेट का ब्लॉगिंग के लिए। गाइस, यहाँ पे ये सामान आ चुका है गोल्डी के लिए, हमने मंगाया था कुछ सामान। गोल्डी तेरे कुछ आ गया है, देखो अनबॉक्सिंग हो रही है गोल्डी के लिए। क्या है अभी दिखाएंगे इसमें। चुप रहा है, तेरे ही है। गोल्डी भौंक रहा है, मैं लेके ये बटी ज्यादा गोल्डी की। लो गोल्डी खाओ इसमें। यहाँ पे पेट्रोल पंप एकदम रेडी हो चुका है, और इसके अब होने वाली है, मैंने पहले दिखाया था, तो ये देखो। ये गाइस, अभी हम रुके हैं खल लेक पे, और यहाँ से देखिए अब खल लेक का सीन। ये हम लोग जा रहे हैं सामा साइड को। गोल्डी आजा आजा, ये यहाँ पे पत्थर खाएगा। हाँ, यहाँ पे भी ये ब्लॉगिंग की तैयारी हो रही है, और अब विक्की भैया हालत ठीक है? बढ़िया, ये ब्लॉगिंग की तैयारी हो रही है। कोविड 19 लगाया तो बहुत ही गर्म हो रहा है यार, खड़े खड़े पसीने। कोविड 19 लगाया या वैक्सीन लगाया? वैक्सीन सेकंड डोज, समझ रहे हो गाइस, टाइम से लगा लो। गाइस यहाँ पर भी ब्लॉगिंग हो रही है एकदम गोप्रो हीरो 9 से। क्या क्या हालत ठीक है? ना मेरे तो बेस्ट है यार। इसकी मुंह धुलाई हो रही है अभी। गोल्डी लोग आंखें बंद, आंखें बंद। गुड बॉय जी। बंदर जी, जी बंदर जी, बंदर पानी की बोतल यहीं पर ला दो ना भैया, पानी प्यास लगी होगी इसको। भैया लोग थोड़ा आगे से निकल गए पैदल यहाँ पर, और इनकी ब्लॉगिंग भी यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि ब्लॉगिंग तो हो बनेगी यहाँ पर, क्योंकि इतना मस्त जो सीन है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गोल्डी के लिए सेलेक्ट ढूंढने, तो यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हुई हैं, तो हम देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते हैं। यहाँ पे डॉगी के लिए चाहिए, मतलब बच्चों का वाला चल जाता है। तो कुछ लाना है, पूछते हैं। कुछ लाना था डॉगी के लिए, शैलक का डिब्बा। क्या हुआ? सोन पापड़ी का पीछे रखो ना, ये मेरी सीट पे एकदम आराम से बैठे हैं भाई साहब। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये धारा है, तो यहाँ से हाथ धो रहे हैं, पानी भर रहे हैं इस पे, क्योंकि किसी ने नाश्ता किया नहीं है। तो ये देखिए वहाँ पे वो भी ब्लॉग बना रहे हैं एकदम पानी भरते हुए। मैं भी हूँ यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और हम लोग घर से टिफिन लाए थे, तो अब हम यहाँ पे करते हैं नाश्ता। दिखाते हैं आपको हमारा, ये वो जा रहे हैं भैया वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान छूने जा रहे हो अब तो बस। तो गोल्डी तो सोया है, उसका उतरने का मन है नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा ना। वो देखो जैसे कि भाई इसमें देखो तो ये आसमान के नीचे होंगे, भाई फील हो रहा है मेरे को। मैं भी वहीं जा रही हूँ। रास्ता देख सकते हैं आप, ऐसा है, नींद आ रही है उसको, अभी सोने का टाइम हुआ है उसका। घास है यहाँ पर लंबी, तो कीड़े भी हो सकते हैं। यहाँ बड़ी घास भी है, फिर बांटने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, दूर दूर है। तो हम लोग फिर से नीचे, कोई ये देखिए। तो गाइस एक तो जा चुके हैं नीचे, चलो ब्लॉग थोड़ा बन रहे, मजाक हो रखा है। एक और जाते टाइम भी उनके हाथ में गोल्डी और केले थे, अभी भी गोल्डी और केले हैं। बहुत गंदा
रास्ता रखा है। गाइस ये रहा हमारी रोटी का हॉटकेस, और देखिए इतना बड़ा टिफिन है और इस पर हम रोटी, तो इतनी सारी रोटी हैं, फिनिश हो जाएंगे अभी 2 मिनट में मुझे पता है। और ये हमने केले लिए वहाँ मार्केट से, तो इन्हें लास्ट पे अभी ये भी खाएंगे, सब लोग खाएंगे। हमारा खाना हो चुका है, इस पर हमारी फुल रोटी थी, आपने देखा होगा कितना बचा है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी, यहाँ की रोड बहुत खराब है यहाँ पे, तो चुके हैं रामगंगा, और ये देखिए आप रामगंगा रिवर, ये रहा पुल, और पुल के उस पार क्या है, पिथौरागढ़, पुल के उस पार पिथौरागढ़ का इलाका, और इधर को अभी तक हम बागेश्वर वाले पर थे। यहाँ से देखिए गिरगांव 31 किलोमीटर, बिरथी झरना यहाँ से 26 किलोमीटर, तेजम 14। गाइस यहाँ से नीचे दिख रही है रामगंगा नदी, और भैया लोग उतर के पीछे रह गए हैं। रोड गंदी है तो नीचे लग जा रही थी गाड़ी की, और यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको रामगंगा नदी, ये देखिए एकदम भाई लोग वो आ रहे हैं, 3 के 3 एकदम आराम से आ रहे हैं, मेरे कुरकुरे खाते हुए आ रहे हैं, सबने अपना अपना खा लिया, मैंने बचा रखा था वो भी फिनिश। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे सामने बहुत ही अच्छा लग रहा है, सामने ये दिख रहा है हमारा, ये रहा बिरथी फॉल, अभी हमें जाना है यहाँ, तो हमें रास्ते में ये मिल गया था तो हम यहाँ पे रुक गए थे। तो हम लोग पहुँचने वाले बिरथी फॉल, और बिरथी फॉल यहाँ से बचा है 6 किलोमीटर, हमने बिरथी फॉल देखे यहाँ पे, जब से दिखाती हूँ यहाँ पे, ये गोल्डी के दोस्त आ गए हैं, गोल्डी को देख के सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बिरथी फॉल, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के इसे, और यहाँ से ऊपर जाने का है तो ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो कोई पहचान के मिल गए हैं, तो ये उनसे बात कर रहे हैं। और ये देखिए सामने, वाह ऊपर से वाटर, ये देखिए पानी, ये जो आ रहा है यहाँ से सीधे वो वाटरफॉल से आ रहा है, और वाटरफॉल की वो देखिए आप साथ में लहर वहाँ पे से, जब पानी ज्यादा होता है यहाँ तक छींटे आते हैं। तो गाइस ये लोग बोल रहे हैं जब पानी बहुत ज्यादा होता है यहाँ तक छींटे आते हैं इसके, जो आपको साइड में दिखा रहा है अभी तो कम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ऊपर जाके देखते हैं कैसा होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। तो गाइस पहले मैं गोल्डी को खाना दे रही हूँ, क्योंकि हमने सुबह आते टाइम दिया था इसको, तो भूख लगी होगी। तो ये रहा गोल्डी के डूंगा, जो सुबह हमने सुबह ही अमेजोन से हमारे पास ये हुई, तो यहाँ पर कुत्ते जा रहे हैं। गोल्डी नो, सिट डाउन, गुड बॉय, खा लो, जाओ खाओ, इसको भूख लगी होगी, इसको अभी हम नहीं रोक रहे, और टाइम रोकते हैं तो मान लेता है। तो मित्र यार आज का मुँह मैंने यहीं रोया है मॉर्निंग से, वाह वाह समझ रहा, गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं, तो हल्के हल्के भीग भी चुके हैं, और आप लोगों की गोल्डी भी चल रहा है, इसे नीचे उतरना था तो मैंने नीचे रखा है, और सामने देखिए आप गोल्डी नो। तो गाइस देखिए आप एकदम से लाइनिंग पड़ी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, और ऊपर से वाटरफॉल, और उसका पानी देखिए यहाँ तक ऐसे आ रहा है, यहाँ पे पूरा फिसलन हो रखा है, गीला हो रखा है, तो चप्पल पहन के आई हूँ घर के, यहाँ पे शायद रेस्टोरेंट ही बन रहा होगा, क्योंकि इसके पास पर सभी ज़्यादातर मैगी पॉइंट रेस्टोरेंट बनते हैं। तो देखिए पीछे से सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, और भीगते भीगते आ रही हूँ पूरा, तो ये देखिए आप हाथ पर मिट्टी भी पता नहीं क्या क्या लग रही है, हवा चल रही है बहुत ज्यादा, शायद क्लियरली आवाज भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं बिरथी फॉल के इतने पास है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसे टच कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं आगे से जाके दिखाती हूँ, और ये मैंने गोल्डी को बचा रखा है, पूरी तरह से भीग चुका है, बट हम भी फिर भी आपको दिखाने के लिए, हम ब्लॉग के लिए फोन को हमने बाहर निकाल लिया है, और ये मैं पूरी भीग चुकी हूँ, कुत्ते को इसको ठंडा हो रहा है, अबे आओ कुछ हो गया, फोन लगा लो, आवाज चल रही है।
उसके पास ज्यादा रहने से हमें ऐसा लगा नहाने की जरूरत है नहीं, वही पार्ट हमने नहा लिया। इन्होंने तो चुप बनाया था और ऐसे हो रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे इनको देखिए हालत इनकी, रुको मैं तो आगे से जाने और आसमान का हाल ये बादल लगने लग गया और यहाँ पे मेंढक की तरह कूदने लग गया बरसात में मेंढक। यहाँ पे मेरी हालत देखिए, माथा लाल हो चुका है, टीका लगाया था हैं भैया यहाँ पे मार रहे थे तो उसको डंडा उड़ा, मना कर रहा मत करो भाई मत करो मुझ पर जुल्म है, ऐसा ये देख सकते हैं। अब रोक दो, मुंह को रोक दो, अब नहीं कर रहा है, अब देख लो अब कुछ ही नहीं कर रहा है, अब और स्टार्ट करो, ये फिर से करने लगे। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं रोड पे और ऐसा रास्ता है भैया को सेंटर फुट जुबान पे लगाम लगाने के लिए पकड़ा दिया, गाड़ी में कितनी करनी पड़ेगी समझ रहे हो तुम, तभी दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ से सामा हमारा 11 किलोमीटर है और सबसे पहले सामा पहुँचना है, फिर उसके बाद की रोड तो फिर भी ठीक है, यहाँ से सामा तक की रोड बहुत ज्यादा खराब हुई है, उतनी ज्यादा भी नहीं है बट कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा है, खराब भी बोल सकते हैं आप उनको, कहीं पे डामर है और कहीं पे बहुत ज्यादा बड़े ब्रेकर बनाए तो नीलू के नीचे लग जा रहा है ना, लेकिन मोहित ने बैंड बनाए हैं कमर ही दुखी, खराब है मान ले तो रोड यार, चौड़ा करो थोड़ा, अपना सॉन्ग वाली रोड ही सही है, अपनी वही सही है, भले ही गड्ढे हैं लेकिन हाँ इतने मोड़ थोड़ी है। अच्छा तो गाइस ये देखिए यहाँ से एक बैंड फिर वहाँ से बैंड, वो ऊपर वाली रोड पे हमें पहुँचना है यहाँ पे रोड क्रॉस करके आए हैं वहाँ से हम। तो गाइस हम लोग सामा पहुँच चुके हैं और सामा की मार्केट कहीं बंद है, कोई कोई दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि संडे है, वो बंद तो रहती है फिर भी खुली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही सामा की मार्केट और ये वाली रोड जाती है ली थी। तो गाइज हम लोग रुके हैं सामा से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे आके और यहाँ पे छोटा सा ढाबा है, तो हम लोग यहाँ पर चाय पीने क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है और कपड़े भीगे हुए थे, तो हम वैसे कार पे आए हम कपड़े नहीं लाए थे, तो ठंडा हो के यहाँ पूरी हालत ख़राब हो गई हमारी, तो हम लोग फिर से चाय पी रहे हैं, अभी तो सब लोग चाय पी रहे हैं और मौसम बढ़ रहा है, यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और सामने देखिए आप, और हमें यहाँ पर अंधेरा भी हो चुका है लगभग और सामने मकान दिख रहे हैं, गांव दिख रहा है, तो शायद सामा कुछ होगा सामा के आगे और वहाँ पर वो सामा दिख रहा है, और यहाँ पे ये लोग बाहर पे चेयर रखा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए आप, हाँ यहीं पे बैठते हैं बाहर पे। तो गोल्डी को देखते हैं हम, गोल्डी क्या कर रहा है, गोल्डी अभी कार पर बैठा हुआ है, तो ये देखिए आप गोल्डी एकदम कार पर खड़ा है, क्या कर रहा गोलू, क्या कर रहा गाइस, ये देखिए गोल्डी और ये रही शॉप, यहाँ पे अच्छी गर्म हवा आ रही है गाड़ी से, चिकन मटन सब चीज यहाँ पर, आप आते हैं तो रुक के एक बार देखें, यहाँ पर रेस्टोरेंट करूँगा रेस्टोरेंट है, पराठे ब्रेकफास्ट पे लंच डिनर सब चीज़ यहाँ पे मिलते हैं, भटके डुबके भी, तो यहाँ पे ये अंदर चले गए हैं, चाय बन रही है अंदर हमारी। तो गाइस यहाँ पे हमारी चाय बन रही है ये एकदम, क्योंकि बहुत ठंडा हुआ है, भीग चुके हैं हम पूरी तरीके से, कपड़े भी नहीं सूखे हुए हैं अभी हमारे। तो गाइस हमें यहाँ पर रात पड़ चुकी है और हल्के हल्के अंधेरा हो चुका है, तो आगे और भी ज़्यादा अंधेरा होगा तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए ब्लॉग को आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। बिरथी फॉल आज हमने आपको दिखा दिया है, संडे का टूर, अभी तक हम घर पहुँचे नहीं हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को आज के, तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।